हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आईटीआई से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस चैनल में आईटीआई से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन, चाहे वो जॉब्स की अपडेट हो या फिर अपडेटशिप की हो या फिर कोई भी नई अपडेट आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, कोई भी अपडेट रहती है तो वो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएई की ओर से लगभग 7000 वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें से हमारी टोटल यहाँ पे 4000 वैकेंसीज केवल बार्क में ही निकली हुई है। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने वैकेंसीज के बारे में बताया था कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो हमारा टेक्नीशियन भी जो कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम के तहत क्योंकि आईटीआई के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एज क्राइटेरिया हम बात कर लें तो यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की एज होगी, मिनिमम एज है 19 साल और मैक्सिमम एज है 24 साल। नेक्स्ट, और इसमें एज लिमिट आपकी 23/5/1999 के बाद के और 22/5/2024 के बाद के 24 के बीच के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो मिनिमम एज 19 साल और मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, इसमें मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज 22 साल होगी। बाकी ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की, पीडब्ल्यूबीडी एंड रिजर्व कैंडिडेट को 10 साल और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट को टोटल 15 साल की छूट दी जाएगी। बाकी एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे ईयर ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की, यानी कि अगर आपने 15 साल सर्विस की है तो प्लस 3 साल उसमें ऐड करके आपको छूट मिलेगी लगभग 18 साल की। नेक्स्ट, अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और डिस्टर्ब एरिया कंसिक्वेंस देयरऑफ, यानी कि आप डिफेंस के हैं, डिफेंस में अगर आप काम कर चुके हैं या फिर आपको इसके तहत आपको ऑपरेशन के तहत आपको कोई डिस्टर्ब एरिया में, जैसे जहाँ पे सबसे डिस्प्यूट वाला एरिया होता है वहाँ अगर आपने काम किया है तो आपको छूट यहाँ पे 45 साल तक दी जाएगी। नेक्स्ट, आपको डिफेंस पर्सनल है और अगर आप एस सी एस टी हैं तो यहाँ पे 50 साल की छूट आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप काम कर चुके हैं, 3 साल की आपने लगातार सर्विस दी है तो आपको ग्रुप सी में 40 साल की छूट मिलेगी और 45 साल एस सी एस टी कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, फॉर ग्रुप ए एंड बी 5 ईयर्स, 5 साल की छूट आपको मिलेगी। और बी ग्रुप में अगर आप विडो डाइवोर्स वुमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, वो आर नॉट रीमैरिड, तो आपको 35 साल की छूट मिलेगी अनिजाम में और 40 साल की एस सी एस टी में छूट दी जाएगी। यही हम बात कर ले सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है, क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्लस आपको जो कितने एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 स्टेज में एग्जाम होंगे। तो सबसे पहला होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, जो कि पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके बाद एक एडवांस टेस्ट होगा, वो भी रिटन बेसिस पे होगा। नेक्स्ट आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, यानी कि आपके एग्जाम जो होने वाले हैं 3 स्टेज में होने वाले हैं। पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट ही एडवांस टेस्ट फॉर कंसंट्रेट, यानी कि आपने फिटर से आईटीआई की है तो फिटर से, मशीनिस्ट से अगर आईटीआई की है तो मशीनिस्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने वेल्डर से किया है तो वेल्डर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके कोर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस भी ट्रेड से आपने किया है। However, evaluation of stage 2 advanced test will be carried out only for those candidates qualifying in stage 1. यानी कि अगर आप stage 1 qualify करते हो तभी आप, सॉरी दोस्तों, अगर आपने स्टेज 1 जिसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट है अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तभी आप दूसरे स्टेज में बैठ सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं स्टेज 1 यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और चॉइस ऑफ 4 ऑप्शन और 1 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के रहने वाले हैं, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से आने वाले हैं, इस पर सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा वो
और इस पर मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पीटर स्टूडेंट है तो उसके लिए काफी हेल्प करने वाले ये क्वेश्चन है। बाकी के आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो तो आपके ये 20 क्वेश्चन मैथ्स के और साइंस के सेम रहने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के। ये जो 50 क्वेश्चन होंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा कहाँ से आने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है उसके बावजूद भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक सेपरेट उस पर वीडियो बना दूंगा। ये 20 क्वेश्चन मैथ्स के कहाँ से आएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कहाँ से आएंगे, साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इस पर मैं एक सीरीज भी चलाने वाला हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन पे और 1 मार्क्स कट जाएगा आपका इनकरेक्ट, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी, आपकी 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ पे 40% से आपके जनरल कैटेगरी में नंबर कम नहीं होने चाहिए। अगर 40 से कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फेल कर दिया जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी वालों को 30%, अगर आप OBC ST हैं तो आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। और ये बात कर लें सेकेंड टेस्ट की, तो सेकेंड स्टेज में जो आपका टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसमें 3 मार्क्स आपके करेक्ट क्वेश्चन पे और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1 मार्क कट जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी आपकी स्टेज 2 वाले एग्जाम से। जो पहला वाला होगा वो क्वालिफाई होगा और जो स्टेज 2 होगा उसमें आपकी मेरिट बनेगी बेस्ड ऑन द अपॉन स्कोर इन स्टेज 2, यानी कि स्टेज 2 में जितना स्कोर आया है उसके बेसिस पे होगा। यहाँ पे आपको 30% से कम जनरल कैटेगरी को नहीं लाना है और 20% से कम रिजर्व कैटेगरी को नंबर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपका होगा स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सीड 4-5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया है। यहाँ इन्होंने बताया कि अगर आपके क्वालिफाइंग स्टेज अगर 2 में क्वालिफाई तभी अगर आप कर लेते हैं तो तब आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको बुला लिया जाए। ये भी ये देखेंगे कि 4-5 टाइम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपके नंबर 50 नंबर आ रहे हैं और आपको क्वालिफाई कर दिया गया 45 के ऊपर, अगर ये देखा जाता है कि 4-5 गुना से ज़्यादा अगर आपके वहाँ पे बच्चे हो गए तो आपको अगर नंबर क्वालिफाई भी कर लिए उसके बावजूद भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो ऑन नो गो बेसिस। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3, यानी कि जो भी मेरिट बनती है उसके आधार पर आपको स्टेज 3 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें 4-5 गुना बच्चे होंगे जितनी आपकी सीट है। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट क्लियरिंग द एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड पैनल ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन सेकेंड टेस्ट, तब आपको एडवांस टेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क इन स्टेज 2 विल बी प्लेस हायर ऑन द मेरिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। इसके नेगेटिव मार्क कम होंगे उसको हायर रखा जाएगा। अगर आपका सेम नंबर आता है, अगर आपके नंबर मान लीजिए 40 आपके हैं और एक कैंडिडेट है उसके भी 40 हैं लेकिन उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन ऑप नहीं किए, यानी कि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए और ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो वो आपसे हायर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन स्टेज 1 विल प्लेस इन हायर इन मेरिट, और जिसके स्टेज 1 में हायर मार्क्स होंगे उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क विल प्लेस ऑन हायर इन मेरिट, और जिनके लोअर नेगेटिव मार्क होंगे उनको भी ऊपर रखा जाएगा। और टाई केसेस के बारे में मैं ये बता रहा हूँ, बाकी कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स स्टेज, यानी कि अगर मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर है तो आपको ऊपर रखा जाएगा, और साइंस में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको नंबर के बारे में पता होना चाहिए। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको स्कोर करना है कि आप इजीली सेलेक्ट हो जाओ। तो कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसके बारे में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो सैलरी के बारे में बात कर ली। कैटेगरी 1 में आपको फीस कितनी देनी होगी सबसे पहले बात कर लें। 150 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। SST को और PWBD और वुमेन कैंडिडेट को कोई फीस नहीं लगनी है। यहाँ कैटेगरी 2 में आपको 100 रुपये फीस लगनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ रहने वाला है। इलाहाबाद है, अमरावती है, अगरतला है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, बेंगलुरु है, भागलपुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है,
इम्फाल है, जयपुर है, जोधपुर है, तो कुछ इस तरीके से सेंटर दिए हुए हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है सेंटर चूज करने में तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप सब देख सकते हैं। बाकी साइट के बारे में हम बात कर लेंगे। यहाँ पे आपको किस साइट से फॉर्म भरना है, barkonlineexam.com से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। मेन आपके आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, अगर गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं तो, या फिर एक सर्विस मैन है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कार्ड होना चाहिए, प्लस एनी अदर फोटो, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट कहीं काम करते हैं तो उन्हें NOC सब्जेक्ट सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। बाकी कोई भी डाउट आता है NOC कहाँ से बनती है, कैसे आपको लेना है, तो उसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट आपका DV के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्टेबिलिटी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड यानी कि टेक्नीशियन C और B, इसमें लेवल 4 आपका सी में रहने वाला है, जिसमें 25,500 रुपये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका कैटेगरी टेक्नीशियन B, जिसमें आपको 21,700 रुपये मिलेंगे, ये लेवल 3 की पोस्ट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन निकला हुआ था। बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका बॉन्ड यहाँ 3 साल का रहने वाला है, 3 साल को आपको DAE को 3 साल तक काम करना होगा, उसके बाद ही आप DAE से अगर कहीं और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जय हिंद।